जैसे मोचू ने किसी जोर से मारा। अरे यार पीछे पोपट, आगे मकान मालिक, जाओ कैसे? सातवां ग्राहक पकड़ के लाया था, लेकिन वो भी ऐसे भाग गया जैसे भूत देखा हो। भूत? क्या हुआ, तुम क्यों चौंक गए? क्या तुमने भी भूत देखा है? हाँ साहब, तीन बार। तीन बार? हाँ। कहाँ? सीढ़ी पे। बिल्डिंग की सीढ़ी पे? नहीं साहब, पायरेटेड सीढ़ी पे। अरे मैं फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं असली भूतों की बात कर रहा हूँ। वो करण और राहुल, वो दोनों कहीं छिप छिप के तो यहाँ नहीं आते। कैसी बातें करते हैं साहब, 5 फीट 10 इंच का आदमी यहाँ से जाएगा और मुझे देखेगा नहीं? मेरी नजर से कोई नहीं बच सकता। हेलो, बचपन से ही ऐसे हो, यू नो आई मीन, हैव अ नाइस डे, बाय 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 बाय। जरा संभाल के चौफली, गॉड इज सो अनफेयर। अब बेचारे को सारी उम्र अकेला ही रहना पड़ेगा। नहीं डार्लिंग, खुदा जी सबके लिए एक जोड़ीदार बनाता है। देखो नी, तुमको हमारे लिए बनाया नहीं, इसलिए हम बोलता है कि गॉड इज सो अनफेयर। घर चलो। ए तो इधर आ, इधर आ, इधर आ। दुनिया से तो भाग सकते हो, अपने आप से कब तक भागोगे हैं? बाबा मेरा हाथ देखकर बताइए ना, मेरी किस्मत में क्या लिखा है? हाथ देखने की जरूरत नहीं है बेटा, चेहरा देखकर ही बता सकता हूँ। शनि तुमसे नाराज है। शनि दियो, शनिदेव, शनिदेव, 1000 रुपए दो, बाहर बाहर गांव जाकर पूजा करवा के आता हूँ। 1000 तो मेरे पास नहीं है। 800 रुपए है। वो भी नहीं है। 500, 200, 100 तो होंगे, फिर कितने हैं? हाँ, कुल मिलाकर 1250 रुपए। तब तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, शनि भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जाओ जाओ, खाली करो। अरे ये तो इमोशनल हो गया। सुनो, दिल के नेक लगते हो, इसीलिए एक बात बताता हूँ, सुन के जाओ। बोली, एक लड़की आएगी तेरी जिंदगी में। लड़की? और वो कोई मामूली लड़की नहीं होगी, ऐसी लड़की जिसके दिल पर तिल होगा। दिल पर तिल? हाँ, उस लड़की के आने से तेरी किस्मत बदल जाएगी, शोहरत तेरे कदम चूमेगी, पूरी दुनिया तेरे पीछे होगी और तू आगे। मगर ऐसी लड़की मिलेगी कहाँ? ढूंढने से तो भगवान भी मिलता है। जा ढूंढ। अरे क्या देखते हैं, तो क्या खर्चा पाने? सॉरी सॉरी करो। अरे ये क्या हुआ? ये वो कल रात वो मुसरीस वाली के साथ गया था ना, एक्सीडेंट, गाड़ी ठोक दी। तो ना, यू नीड टू ग्रो अप। तू जानता नहीं है, सम वुमेन लाइक इट वाइल्ड। वाइल्ड? यस, और वो भी 5-स्टार होटल में। फिर उसने सब कुछ मेरे नाम कर दिया। इसने ना अपना नाम नसरुद्दीन शाह बताकर मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बिठा दिया। मुझे नहीं मालूम था कि वो गाड़ी चोरी की है। माय लॉर्ड, आई शपथ चोरी हिनेच केले, मी काहीच केले नाही। मी तर फक्त खोलून दिलं। क्या दरवाजा? अब तेरे को मैं खोलता हूँ, चल अंदर। आगे फिर हम लोग उसके कमरे में गए, डीलक्स सूट तैयार, और धीरे धीरे वो अपने कपड़े उतारने। की मैन, उसके बाद? उसके बाद उसने मेरे हाथ बांध दिए। देखिए साहब, हाथ नहीं उठाने का। क्या नहीं उठाने का? क्यों नहीं उठाने का? तेरी उंगलियों में जादू है ना? है नहीं था। चुप, चुप क्यों हो गया? आगे बताना। फिर उसने मेरा बेल्ट निकाला। ये कितनी देर तक चला? पहले 10 मिनट तो मैं होश में था, बाद में पता नहीं, वहां से निकला तो चलने के लायक नहीं था। फिर यहां कैसे आया? अबे वो छोड़ गई ना अपने मर्सिडीज में।
वन वाइल्ड नाइट हाँ हाँ यार आजकल लड़कियों को यही पसंद है रात कई बात कही है लेकिन वो ऐसी नहीं होगी वो कौन वो जो मेरी किस्मत बदल देगी अबे कौन तेरी किस्मत बदल देगी वो लड़की जिसके दिल पर तिल होगा हाँ यार आज एक जोशी ने मुझसे कहा कि एक ऐसी लड़की मेरी जिंदगी में आकर मेरी किस्मत बदल देगी तू एक काम कर तू पहले एक लड़की ढूंढ और फिर उसके दिल पर एक तिल लगा क्योंकि दिल पर तिल ढूंढने के चक्कर में तू भी पिटेगा और मुझे भी पिटवाएगा मुझे यकीन है मेरी किस्मत बदलने वाली जरूर आएगी यस तेरी वाली का तो पता नहीं पर मेरी वाली आ गई हाय हाय मैं हेल्प यू मिस्टर डीके कहाँ मिलेंगे वो मिस्टर डीके आप जी मैं वो किरण करण हाय मैं करण डीके चल 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 या लेट्स सी या इट शुड बी पॉसिबल हेलो तुम यहाँ क्या कर रही हो तुम्हें जो मैंने देखा तुम्हें जो मैंने जाना जो होश था वो तो गया गया बॉस ने ऐसे देख लिया ना तो समझ तू गया चल एब्सोल्युटली नो नैना तुम जाके किरण को कहो कि मुझे परेशान ना करे आई नीड टाइम टू थिंक प्लीज लेकिन डीके दिस इज नॉट राइट तुम जो भी कुछ कर रहे हो वो गलत कर रहे हो अब आप मुझे बताएंगे कि क्या गलत है और क्या सही आई डोंट नीड योर सजेशंस बेबे थैंक यू ऐसे करेगा तो मरवाएगा यार गुड मॉर्निंग सर लिसन अगर आज के बाद मेरे लिए किसी किरण का फोन आए किरण तो कह देना कि मैं नहीं हूँ यस सर कह देना कि मैं था ही नहीं okay. In fact, कुछ भी कह दो कि मैं मर गया I'm dead. Say I'm dead. You're dead, sir. Yes, sir. Designs? Completed, sir. So where? I'll just bring it. Just bring it. Hey, beauty spot kya hai? Ye masaj samaj seva, sir. Subah subah. Election lad rahe ho kya? Haan, na. Samaj seva. Ate hat tera. That's good news. Nikalna kab hai mujhe? Oh, aaj raat ko. Wonderful. Okay, send me the tickets. Aur haan, yaad rahe, likhna DK Bose. Nahi to airport pe Bose DK announce ho jayega. That's not very nice. Yes. Hello? Sir, designs. Ah. Puri raat mehnat karke banaye hain, sir. Kaise hai? Very, very nice. To sir, is baar in designs par mera naam aayega na? William Shakespeare ne kaha hai, what's there in a name? Haan, sir. मगर इस सेंटेंस के नीचे उन्होंने अपना ही नाम लिखा था क्योंकि वो विलियम शेक्सपियर था माय बॉय उसके नाम में एक वसन था गॉट इट सर वो समर कलेक्शंस की डिजाइंस जो है वो वी लुक इन दैट लेटर तुम दोनों ने आज शाम की पार्टी की सारे अरेंजमेंट्स कर दिए है ना यस सर हां सर डोंट वरी लीव इट टू अस देखो आज शाम का जो शो है एमटीवी स्टाइल नाइट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शो फॉर मी सो आई डोंट वांट इट मेस्ड अप And after that, I'm going directly to America. Oh. Aur haan, tum logon ke paas kuch acche kapde pade hai na? Suits, boots? Suits, yes, sir. Haan, sir, hai. Suits. Wo pichli time ki tarah, mere store se mat lena. As if I didn't know. 1015 Suit. किसको अरे बड़े बड़े स्टार्स जैसे अमिताभ बच्चन सचिन तेंदुलकर शाहरुख खान सनी देओल सलमान खान शेख महबूब दुबई का बहुत बड़ा स्टार है अरे वाह मेरी लॉन्ड्री की न्यू दुबई चल रहा है ये तो फिर लेते जाओ ना मिला ऑर्डर पता ना पक्का ये ले सब स्टार्स के डायरेक्ट नंबर्स फोन करके ऑर्डर ले ले ठीक है अमिताभ बच्चन थालू था ये अदल के तू कल वापस दे देना हाँ। इतने पहले तो धो लिए ना वो भी इतने वापस दे देना अरे लेकिन कल तो तू खुद कहाँ मिलेगा क्या मतलब अरे अमिताभ के साथ ब्रेकफास्ट सलमान के साथ लंच अब तो तू बड़ा पोपट हो गया है And that brings us to the stupendous closure of the MTV Style Night. But folks, you don't have to leave yet, as MTV will bring to you the much-awaited grand finale.
And guess who's here to steal your hearts and sweep you off your feet? Performing for the very first time for you at the MTV Style Night, please welcome the Indian heartthrobs all the way from the UK. Jay Sean, Rishi Rich, Juggy D, and Veronica. MTV, enjoy. Cool designs, DK. Thank you, sweetie. Bye. Yashi, band karo. Tumko malum hai, I told you, main ek mahine ke liye America ja raha hu. Yes, sir. Ha, okay. What did I just say? Yahan ka sara saman pack karo aur usko store mein bhijwa do. Carefully. For sure, sir. And where's your partner in crime? Sir, wo, massage seva. Massage seva. It's so relaxing. Aapko kisi ne bataya hai ki aapki ungliyon mein jadoo hai. Dobara kholega? बड़प्पन है आपका. वैसे आप भी बड़े दिल वाली. क्यों गए? दबाओ ना. दिल वाली भाभी. वहां पर. हाँ यार, तिल पर तिल है ना. तुझे मुझ पे यकीन नहीं है? अरे नहीं 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 यार, अब जार पटा. रात को शादी और फिर डीके के फ्लैट में हनीमून. डीके के फ्लैट की चाबी? या अब एक महीने तक अय्याशी उधर. हाँ, अब बार बार लड़कियों के पैसे से फाइव स्टार होटल जाना अच्छा लगता है क्या? हाँ जा. हाँ हाँ, मगर करूंगा क्या यार. शिट, सिंपल, एक गुलाब ले. हाँ, और लड़की को देख के स्माइल कर. थोड़ा कम. और अगर जवाब में लड़की ने स्माइल किया तो आंख मार. एक आंख. यस. और अगर वो उठ के चली गई, इसका मतलब वो तुझे बुला रही है. जाकर प्रपोज कर. इट्स वर्किंग. थोड़ी सी आउटडेटेड लग रही है यार, मगर किस्मत को अपडेट करने के लिए करना तो पड़ेगा ही. तुझे बुला रही है. हाँ हाँ, बट गई यार, अकेले में बुलाया. चलो मैं दिल भी चेक कर लेता हूं. Yes. अरे हाथ हटा. देखिए दिल 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 दिल. अरे क्या हुआ मैडम? अब लाइक क्यों? क्या हुआ? बात क्या? बताइए. एक यंग मैन आया एक रेड रोज लेकर मेरे. उधर देखिए आप मेरे. समझ गई. हाँ, आई होप इट वॉज नॉट दैट सीरियल किलर जो आजकल लड़कियों का बलात्कार करके उनका खून कर देता है. सीरियल किलर. आई एम अ फूल. एडवाइस मिली तो किससे? बाल बाल बच गया. पता नहीं वो औरत मेरे बारे में क्या सोच रही होगी. तुम देखिए, मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता था कि आपके पास है कि नहीं, इसलिए मैं वो. इधर नहीं, उधर जाओ. जाओ बाबा जाओ. करेंगे करेंगे, यही तो हमारा काम है. क्या बात है? क्या हुआ? अरे एक तो रेपिस्ट नहीं मिल रहा है, ऊपर से कोई पोपट नाम का सप्लायर है जो बड़े बड़े लोगों को फोन करके लौंडियां सप्लाई करने की बात कर रहा है. ओए जरा पता करो. जी इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मुझे हांगकांग कभी नहीं छोड़ना चाहिए था. नहीं, आई वाज रॉकिंग. ये चाइनीज की गाड़ी नहीं है, ये पुलिस स्टेशन है. हां हां, इसीलिए तुम्हें कंप्लेंट लिखाने आई हूं. नहीं, ओ कंप्लेंट, बोलो बोलो. मेरे साथ बलात्कार की कोशिश की गई है. नहीं, आप पर? हां श्योर? ऑफ कोर्स आई एम श्योर. चटिया, तुम्हें यकीन है कि ये वही है?
हाँ सर, ये औरत बता रही है उसके हाथ में भी एक लाल गुलाब था जो हर राज के पास पाया जाता है और बदन का हिस्सा काटने के लिए मशीन भी थी। आई एम श्योर सर, ये वही हत्यारा है। अब तो सर हुलिया मिलते ही फोटो बाहर और ये अंदर। लोक इंस्पेक्टर, मैं इस केस में कोई चांस नहीं लेना चाहता, इसलिए जैसा मैंने कहा था, मैं इस केस को सॉल्व करने के लिए एक एक्सपर्ट को अपॉइंट कर रहा हूँ। एक्सपर्ट को? हाँ, डॉक्टर स्क्रू वाला। डॉक्टर स्क्रू वाला वैसे तो एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है, मगर क्रिमिनल साइकोलॉजी में इनकी मास्टरी है। मैं उन्हें तब से जानता हूँ जब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी पढ़ाते थे। दुनिया के बड़े बड़े सीरियल किलर्स को पकड़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, और हाल ही में वो स्कॉटलैंड यार्ड की मदद करके लौटे हैं, और मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट पर इस केस को सुलझाने में वो हमारी मदद करेंगे। और हाँ, उन्हें उनके तरीके से काम करने देना, क्योंकि ऐसे केसेस सुलझाने में उनकी अपनी एक थ्योरी है। थ्री टू वन। डॉक्टर स्क्रूवाला, आप कुछ भूले तो नहीं? पर्स। तुम पर्स नहीं, पूरी की पूरी पैंट भूल आयो। पर्स कहाँ है? पैंट में। So you see logic, पर्स के साथ पैंट भी आ जाएगी। You see what I practice at home, psychological theory, I practice on my patients also. तुम किसी दिन ये थ्योरी चलाकर मुझे मत भूल जाना। तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ मैं वो पार्वती। वो कौन है? Joking, Mrs. स्क्रूवाला। और सुनो, तुम कोई खतरनाक केस नहीं लोगे, याद है ना? स्कॉटलैंड यार्ड के रेलवे यार्ड में मरते मरते बचे थे। और कसम खाई थी कि मैं कोई केस नहीं लूंगा, और मुझसे वादा किया था कि सिर्फ प्रैक्टिस करूंगा। I will stick to it. Promise. One sec. Hello. Yes. कमिश्नर साहब, बस मैं 5 मिनट में पहुंच ही रहा हूँ। Yes, I will. नहीं नहीं नहीं, आँखें और भी छोटी और डरावनी, और बाल बिल्कुल तुम्हारे जैसे, ऐसे खड़े खड़े बिना कोम किए। अरे ना, कैसा? नहीं नहीं। वेलकम सर, आई एम इंस्पेक्टर हवलदार। एक्चुअली सर मैं वो इंस्पेक्टर हो, नाम हवलदार है। ओ कमिश्नर साहब, सच कह रहे थे, आप वाकई स्पेशल है सर। आप कुछ ढूंढ रहे? बॉल्स। दो मिल गए, तीसरा ढूंढ रहा हूँ। तीन? आप तो एक्स्ट्रा स्पेशल है सर। मिस हीरा हिंगोड़ानी फ्रॉम हांगकांग। मिस योरसेल्फ? मिस हिंगोड़ानी, चूज वन। वही? ये है डॉक्टर स्क्रूवाला, मशहूर क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट। जैसा कहते हैं वैसा करो। ओके। वाइट। राइट। मेरा शक ठीक निकला, शी इज अ विक्टिम। आप स्पेशल है सर, लेकिन इस तरह बॉल देकर आपने कैसे पता कर लिया कि वो विक्टिम है? इंस्पेक्टर हवलदार जी, तुमने मेरे थीसिस नहीं पढ़े, द थ्योरी ऑफ माय थ्री बॉल्स। पढ़ना, सब समझ में आ जाएगा। नाउ गिव मी द केस डिटेल्स। पहला मर्डर कल्याण, फिर कांदीविली, फिर कांजुर मार्ग, फिर कुरला, फिर कालबा देवी, एंड लास्ट अटेम्प्टेड मर्डर एट खार। इज दैट राइट? एब्सोल्युटली राइट सर। डिड यू सी द कनेक्शन इंस्पेक्टर? हर शब्द क से शुरू होता है, इसे क शब्द से लगा हुआ है। ओ सर, मिल गया। रियली? कभी खुशी कभी गम, कुछ कुछ होता है, कल हो ना हो। सर मेरी नजर में एक मेल सस्पेक्ट है। कहानी घर घर की, कसौटी जिंदगी की। सर मेरी नजर में एक फीमेल सस्पेक्ट भी है। सर इसी तरह हम लोग कंधे से कंधा मिलकर काम करेंगे तो हमारी एकता जरूर रंग लाएगी। अरे बाबा, ये है वो। मवाली। मिल गया। सर, मिल गया। इसी चेहरे ने मेरे जीवन का चैन छीन लिया। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसकी फोटो प्रेस में लिंच कर दूंगा। तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। हा? अगर हम सिर्फ इसे एक औरत की गवाही पर गिरफ्तार करते हैं तो कोई भी काबिल वकील चुटकियों में से बाहर निकाल सकता है, और मैं वो बिल्कुल नहीं चाहता। तो आप क्या चाहते? मैं इसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू कैच हिम रेड हैंडेड। आज से ऑपरेशन फेल शुरू। ऑपरेशन फेल? फेल क्यों सर? इंस्पेक्टर ये तुम्हें ऑपरेशन की सक्सेस के बाद पता चलेगा। ओ सर, एक पंडित की चाय और एक आप, दोनों स्पेशल।
पता करो कि ये कहाँ रहता है, कहाँ खाता है, क्या पीता है, कहाँ जागता है, कहाँ सोता है और किसके साथ सोता है। Everything, everything about yes, him. और तेरी वो तिल वाली बुड्ढी है ना, और बुड्ढी हो रही है। देखो तू मुझे इस बात के बारे में याद मत दिला। खाना देना ले। पता नहीं कहाँ होगी वो जिसकी मुट्ठी में मेरी किस्मत है।